इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेयर स्टोर की ऐप शेयर कैसे करते हैं। दोस्तों, प्लेयर स्टोर की कोई भी ऐप है उसको आप अपने यार दोस्त को शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ जो प्लेयर स्टोर की ऐप को शेयर कैसे करते हैं। दोस्तों, आप किसी प्लेटफार्म से आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कोई सा भी ऐप से आप शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से प्लेयर स्टोर की ऐप को शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पर दबा के आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, प्लेयर स्टोर की ऐप शेयर करने के लिए आपको अपने प्लेयर स्टोर को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं प्लेयर स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और इसमें एक कोई भी ऐप को मैं शेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक लूडो ऐप को मैं सर्च कर लेता हूँ और देखिए दोस्तों, ये लूडो ऐप आ गया। फिर से इस पर टाइप कर देना है और इस प्रकार से लूडो ऐप आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस ऐप को शेयर करने के लिए यहाँ 3 बिंदु देखने को मिल रहा है तो इस 3 बिंदु पर क्लिक कर देना है और ऊपर में आप देखेंगे तो शेयर का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे सारा ऑप्शन आपको खुल कर आ जाएगा। जिस भी ऐप से आप शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कुछ आ गया। यहाँ व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, बहुत यहाँ से इजी शेयर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो जिस भी ऐप से आप शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने व्हाट्सएप से इस ऐप को शेयर करने वाला हूँ अपने घर पर। तो चलिए दोस्तों, इस व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं वो सारा यहाँ पर व्हाट्सएप का आ जाएगा। तो यहाँ मैं एक किसी को मैं शेयर करके इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद शेयर का ऑप्शन आ गया नीचे, इस पर क्लिक करके इसको शेयर कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर हो चुका है। दोस्तों, जिसके पास आपने इस ऐप को शेयर किया वो डायरेक्ट इस प्रकार से लिंक उसके मोबाइल में चला जाएगा और वो व्यक्ति इसको ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट प्लेयर स्टोर ओपन हो जाएगा और यहाँ से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए स्टोर पर करके इसको डाउनलोड कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।